रामचरितमानस और मनुस्मृति पर विवादित बयान देकर चर्चा में आए बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का मधेपुरा पहुंचते ही लोगों ने भव्य तरीके से स्वागत किया। जैसे ही मधेपुरा सीमा में प्रोफेसर चंद्रशेखर की गाड़ी प्रवेश की, जहां पूर्व से हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, सैकड़ों चार चक्के और सैकड़ों बाइक से उनके समर्थक सहित आम लोग पहुंचे हुए थे, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर को माला पहनाकर स्वागत किया और उनके जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते गए। रामचरितमानस और मनुस्मृति पर विवादास्पद बयान देने के बाद आज प्रोफेसर चंद्रशेखर पहली बार मधेपुरा पहुंच रहे हैं। इस बात की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली कि आज प्रोफेसर चंद्रशेखर मधेपुरा पहुंच रहे हैं, तो हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटने लगी। मधेपुरा सीमा पर ही लोग उनके स्वागत में खड़े होने लगे। सैकड़ों लोगों की भीड़ कब हजारों की संख्या में तब्दील हो गई पता भी नहीं चला। चंद्रशेखर जिंदाबाद, मनुस्मृति हो बर्बाद, इस तरह के नारे समूचे काफिले की ओर से लगाया जा रहा था। जानकारी हो कि कुछ दिन पूर्व ही नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाषण देते वक्त शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस के ऊपर बयान दिया था, जिसके बाद उनका वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वो पूरे देश भर में चर्चा का उनका बयान और वो विषय बन गए। देश के विभिन्न धर्मों, विभिन्न समाज के द्वारा प्रोफेसर चंद्रशेखर का विरोध किया गया। भाजपा द्वारा भी इनका विरोध हुआ, लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने बयान पर अडिग रहे। आज जब प्रोफेसर चंद्रशेखर मधेपुरा पहुंच रहे हैं, तो उनके स्वागत में पूरा मधेपुरा उनके साथ खड़ा है। सभी कार्यकर्ताओं प्रोफेसर चंद्रशेखर के स्वागत में खड़े हैं, जबकि बहुजन मुक्ति मोर्चा के भी कार्यकर्ता उनके स्वागत में खड़े दिखे। खुली जिप्सी में प्रोफेसर चंद्रशेखर को मधेपुरा में प्रवेश कराया गया और हजारों की भीड़ के बीच वह मधेपुरा में गाजे बाजे के साथ प्रवेश कर रहे हैं, जहां हर चौक चौराहे पर लोग उनके स्वागत में फूल माला के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, जहां प्रोफेसर चंद्रशेखर का ये काफिला गुजर रहा है, करीब सैकड़ों की संख्या में चार चक्के वाहन जो है वो इनके काफिला के पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे प्रोफेसर चंद्रशेखर की गाड़ी को रोका गया है उनके समर्थकों के द्वारा, और इस तस्वीर में आप देखिए कि उनके समर्थक की जो गाड़ी है, जो चरचक्के वाहन है, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया गया। हर चौक चौराहे पर लोग जहां भीड़ के साथ खड़े हुए दिखे, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर वहां पर खड़े होकर सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आए।